दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, जो कि अपने दौर में यमुना के किनारे अवस्थित था, अपने उत्कृष्ट बनावट के लिए तो प्रसिद्ध है ही, वहीं इसे तैमूरी शयनागार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में हुमायूं के मकबरे को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा मकबरा है जिसमें एक साथ इतने लोगों को दफनाया गया हो। हाजी बेगम, दारा शिको, मोहम्मद आजम शाह, जहांदार शाह, फरूख सियर, रफियु दरजात, रफियु दौला, आलमगीर द्वितीय, इसके अलावा अन्य शाही राजकुमार और राजकुमारियों की कब्रें हुमायूं के मकबरे में ही स्थापित हैं। 1555 में हुमायूं की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी बेगा बेगम ने इस मकबरे को बनवाया। यह मकबरा 1565 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह मकबरा अकबर के राजाभिषेक के 14 वर्ष उपरांत यानी 1569 में बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे को बनाने में उस जमाने में लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया था। हुमायूं का 2 मंजिल ऊंचा मकबरा बाग के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसमें चारों ओर से कोठरियों की लंबी श्रृंखला बनी हुई है। चारों ओर इन कोठरियों के सामने 17-17 खुले मेहराबी द्वार बने हुए हैं। इन मेहराबी द्वारों में से बीच का 9वां द्वार पर्यटकों को छत पर जाने के लिए बनाया गया है। दूसरी मंजिल पर मकबरे के चारों किनारों को कुछ इस प्रकार से काटा गया है जिससे कि ये एक अष्टभुजाकार मीनार लग सके। ये इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी है, परंतु यहां सफेद और काले संगमरमर का प्रयोग नीरसता को दूर करने के लिए किया गया है। किनारों पर ज्यादातर काले संगमरमर का प्रयोग देखने को मिलता है।
हुमायूं के मकबरे की मुख्य इमारत के प्रत्येक कोणों पर पतली और छोटी मीनारें लगाई गई हैं। इस इमारत की उत्तरी मेहराब में एक दरवाजा है जहां से होकर उस कक्ष तक पहुंचा जा सकता है जहां हुमायूं की कब्र बनाई गई है। मकबरे के मुख्य कक्ष में दो कतारों में मेहराब युक्त खिड़कियां बनी हुई हैं। मुख्य कक्ष के मध्य में लगभग 6 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी हुमायूं की कब्र अवस्थित है। इसे संगमरमर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है। सफेद संगमरमर से बनी हुई हुमायूं की स्मारक एक चिकनी सतह पर खड़ी है। और ये सतह से लगभग 6 इंच ऊंची उठी हुई है। स्मारक को खूबसूरती प्रदान करने के लिए इसे काले संगमरमर की पतली पट्टी से सजाया गया है। देखने में यह पूरा स्मारक एक बड़ी संदूक के समान लगता है। लेकिन इस पर किसी तरह का कोई अभिलेख अंकित नहीं है।
स्मारक की ही तरह पूरे कमरे और उसकी सतह को सफेद संगमरमर से सजाया गया है। हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम का मकबरा भी यहीं उत्तर पश्चिमी कमरे में अवस्थित है। इस कमरे में कुल 3 कब्रें हैं। जिनमें से एक हुमायूं की अवयस्क बेटी का भी है। दक्षिण पश्चिमी कमरे में भी 3 कब्रें हैं। इसके अलावा 2-2 कब्रें उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी कमरे में अवस्थित है। ये सारी कब्रें संगमरमर से बनाई गई हैं। मकबरे के पश्चिमी छत पर 11 कब्रें हैं, जिनमें से 5 तो संगमरमर जड़ित है, बाकी साधारण प्लास्टर वाली। हुमायूं का मकबरा चारों ओर से एक चौकोर बाग से घिरा हुआ है। प्रारंभ में यह बाग पक्के रास्तों और नहरों द्वारा अलग किए गए 4 बड़े बड़े हिस्सों में विभाजित है। और प्रत्येक चौक पुनः छोटे चौकोर मार्गों द्वारा विभाजित है। यह विशिष्ट मुगल शैली 4 बाग के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित किया जाने वाला पहला बाग युक्त मकबरा था, परंतु यह हुमायूं का मकबरा ही था जिसने 4 बाग मकबरे का एक नया प्रचलन शुरू कर दिया। और जिसकी विशिष्ट उपलब्धि आगरा स्थित ताजमहल है। इससे पूर्व भारत में बाग की कल्पना वृक्षों के कुंज, उन्मुक्त बहते झरनों,
और फुलवाड़ी के रूप में की गई थी, लेकिन इस मकबरे के चारों ओर मानव निर्मित ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का बाग है। यहां वृक्षों के कुंज इस प्रकार से लगाए गए हैं कि वृक्ष विशिष्ट स्थानों पर प्रहरी की भांति खड़े दिखाई देते हैं। चार बाग पद्धति फारसी शैली से लाई गई है। नालियों में पानी अहाते के उत्तरी दीवार में स्थित एक मेहराबों वाले कमरे से होकर आता था, जिसके पीछे एक बड़ा सा कुआं है। इस कमरे को 7 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनवाया गया था। संभवतः नालियों का पानी बगीचे को पटाने के काम भी आता था। नालियों और उसके किनारे बनाए गए पगडंडियों में भूरे रंग के पत्थर लगाए गए हैं, जो बाग को अत्यंत आकर्षित बना देते हैं। हालांकि हुमायूं का मकबरा यमुना के किनारे था, लेकिन ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे ये कहा जा सकता है कि नालियों में पानी यमुना नदी से आता था या नालियां यमुना से जुड़ी हुई थी। हुमायूं के मकबरे के इर्द गिर्द केवल शहंशाहों और शाही परिवार के लोगों की ही कब्रें नहीं हैं। बल्कि उनसे जुड़े आमिल अमलों के मकबरे भी अवस्थित हैं। एक ऐसा ही मकबरा अहाते के दक्षिण पूर्व में स्थित है। हालांकि इस मकबरे की प्रामाणिकता को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका उल्लेख नाई के मकबरे के रूप में किया जाता है। नाई का यह मकबरा 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनवाया गया है। मकबरे के छत पर चारों ओर छतरी बनी हुई है, जो 4 स्तंभों पर खड़ी है। इस मकबरे की ऊंचाई लगभग 72 फुट है और ये 40 फुट चौड़ा है। दक्षिण के खुले मेहराबी द्वार को छोड़कर दीवार के तीनों ओर मेहराब बनाए गए हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से ढके हुए हैं। मकबरे के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है, जो दक्षिण की ओर है।
ये मेहराबी द्वार 8 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। इस मकबरे के भीतर 2 कब्रें हैं जो संगमरमर जड़ित हैं। इन कब्रों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। मकबरा अंदर से 24 फुट चौकोर है और अंदर की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। हुमायूं के मकबरे से सटे अन्य स्मारकों में एक प्रमुख स्मारक है अरब सराय। अरब सराय के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर से 2 बड़े-बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ये प्रवेश द्वार लाल और भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ये कहा जाता है कि बेगा बेगम ने अरब सराय का निर्माण 300 अरबी मुल्लाओं के लिए करवाया था जिन्हें वो मक्का से लाई थी। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अरब सराय संभवतः एक मिथ्या नाम होगा। और शायद इस अहाते में उन फारसी कारीगरों और शिल्पियों को रखा गया था जो हुमायूं का मकबरा बनाने के काम में लगाए गए थे। अरब सराय के पूर्वी अहाते के भीतर ही एक उठे हुए चबूतरे पर एक मस्जिद स्थित है। इसके प्रार्थना कक्ष के सामने के हिस्से में 3 मेहराबी द्वार हैं। और बीच का कक्ष एक गुंबद द्वारा आच्छादित है। मस्जिद के दक्षिण पूर्व कोने में एक दोहरे गुंबद वाला अष्टभुजाकार मकबरा है। इसके पीच का कक्ष एक गुंबद द्वारा आच्छादित है। यह मकबरा अफसर वाले के नाम से विख्यात है। जिस अफसर या अधिकारी ने इन इमारतों को बनवाया था अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हुमायूं का मकबरा और अरब सराय से बहुत पास ही एक अन्य मकबरा है, ईसा खां का मकबरा। यह मकबरा चारों ओर से एक अष्टभुजाकार अहाते द्वारा घिरा हुआ है। ईसा खां
शेरशाह सूरी और उसके बेटे सलीम शाह के दरबार का उमराव था। मकबरे के मेहराब पर अंकित एक अभिलेख से पता चलता है कि सन 1547 में सलीम शाह के समय में इसका निर्माण कराया गया था। हुमायूं का मकबरा और उसके आसपास का सारा क्षेत्र भारतीय इस्लामी शैली में बनाई गई इमारतों से अटा पड़ा है। यहां सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक के वास्तुकला का इतिहास पर्यटकों के लिए आज भी बहुतायत में है।